दिखाए। एक तो आपने इनकी सड़कें ले ली, इनका जमीने ले ली, इनके घर बर्बाद कर दिए गए, और चार साल से आप लोग कहते हैं कि इनकी फाइलें बन रही है। कौन सी फाइलें हैं वो? और यहाँ से जो सरसुद महादेव को सड़क बन रही है, जगह है और इच्छा जगह है जहाँ पर लोगों की जमीनें काट ली गई, और जो जमीनें सड़क बनाने के लिए काटी गई थी उसके अलावा भी जमीनों की कटिंग होने की वजह से लोगों के मकानों को नुकसान हुआ है। बार बार सरकार के समक्ष ये बात रखी गई कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई चार सालों से नहीं की गई है। और यहाँ माता बहने बुजुर्ग नौजवान जो है सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं, हर दिन उनको सड़कों के ऊपर बैठना पड़ रहा है। हमारी जो जमीन और हमारे जो मकान सड़क के बनने की वजह से ढहे हैं, जिनकी बर्बादी हुई है, उनका मुआवजा जल्द से जल्द हमें मिलना चाहिए। लेकिन लोग दर्शक बना हुआ है, यहाँ का प्रबंधन, यहाँ की सरकार और नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके तहत ये सड़क बन रही है, वो यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, वो अपने लोगों को गाते हैं, गाते हैं, पुलिस का डर दिखाते हैं। वो इनका DGM है, वो कहते हैं कभी फोन नहीं उठाता, यहाँ गरीब लोगों के साथ अंग्रेजी बोलता है आकर और उनको धमकाता है, गाली गलौज करता है उनके साथ। ये लोगों ने मुझे बताया ये सरासर निंदनीय है, और यहाँ चरणी के लोग हर किस बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे गरीब लोगों के साथ किसी भी किस्म की बदतमीजी हो या उनको कोई डराए या धमकाए। एक तो आपने इनकी सड़कें ले ली, इनका जमीनें ले ली, इनके घर बर्बाद कर दिए गए, और चार साल से आप लोग कहते हैं कि इनकी फाइलें बन रही हैं। कौन सी फाइलें हैं वो जो चार साल में मुकम्मल नहीं हुई हैं? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ प्रशासन से।